दोस्तों, पिछले कुछ सालों में के ड्रामास ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और अब पूरी दुनिया ही के ड्रामास की दीवानी है। इसलिए आज मैं आपको के ड्रामास की इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ कि कब से इंडिया में के ड्रामास को पहचान मिलना शुरू हुई, साथ ही ये भी कि आज इंडिया में के ड्रामास को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, कोरियन ड्रामास इंडियन सीरियल के कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया में उनकी व्यूअरशिप पहले से काफी बढ़ गई है, जिसे हम कोरियन ड्रामास या के ड्रामास से जानते हैं। लेकिन इंडिया में के ड्रामास की हिस्ट्री न्यू नहीं है। ये दौर 90s में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से शुरू हुआ, जिसके बाद वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक पहुंचा और अब हर एक इंडियन हाउस में के ड्रामास देखे जा रहे हैं। और ये जानकर आप हैरान होंगे कि हिस्टोरिकल कोरियन वेब सीरीज एम्परर ऑफ द सी को 2015 में दूरदर्शन पर भी दिखाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन है। साथ ही आप में से मेरे काफी ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने बॉयज ओवर फ्लावर देखा होगा। वेल, बॉयज ओवर फ्लावर, माई लव फ्रॉम अनदर स्टार और प्लेफुल किस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन वेब सीरीज को तमिल और हिंदी में भी डब किया जा चुका है। दोस्तों, 2014 में डीडी भारती पर हिस्टोरिकल वेब सीरीज हुरजून को भी टेलीकास्ट किया जा चुका है, जिसे हाईएस्ट व्यूअर रेटिंग 34 मिलियन मिल चुकी है। और 2020 में कोविड पैंडेमिक टाइम को देखते हुए डिश टीवी ने प्रीमियम के ड्रामा हिंदी और तमिल में टेलीकास्ट किए। अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो इंडियन लॉकडाउन टाइम में इट्स ओके नॉट टू बी ओके, किंगडम, क्रैश लैंडिंग ऑन यू को इंडिया में सबसे ज्यादा देखा गया, जो इन वेब सीरीज को नंबर 3 की पोजीशन पर पहुंचाता है। वहीं एमएक्स प्लेयर, जो कोरियन ड्रामास को हिंदी में प्रोवाइड कराता है और जिसे सबसे ज्यादा फीमेल ऑडियंस कंज्यूम करती है, इसलिए कोरियन ड्रामास की डिमांड को देखते हुए एमएक्स प्लेयर ने एसबीएस यानी सियोल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के साथ डील भी की है। इसके अलावा अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कोरियन ड्रामास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें Z5, जियो सिनेमा और यूट्यूब शामिल हैं। अगर बात करें कि के ड्रामास के इंडिया में पॉपुलर होने के क्या रीजंस हैं, तो के ड्रामास हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी, इंक्लूडिंग एक्शंस, हिस्टोरिकल, मेडिकल, लीगल, हॉरर और कॉमेडी ड्रामास। अगर रोमांटिक एलिमेंट्स की बात करें तो इमोशनल थीम के साथ वो तो होना कंपलसरी है। इसके अलावा कोरियन ड्रामास में फ्रेंडशिप, फैमिली वैल्यूज, लव और ट्रेडिशनल वैल्यूज वेस्टर्न तड़के के साथ मिलती है। अभी हाल ही में कोरियन ड्रामास सोशल इश्यूज को लेकर भी सोसाइटी को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जेंडर इक्वलिटी, सुसाइड, क्लासेस बुलिंग, करप्शन और डिस्क्रिमिनेशन शामिल है। दोस्तों, अगर आप कोरियन ड्रामास को लेकर अपडेटेड रहते हैं तो ये सभी इश्यूज आपने किसी न किसी के ड्रामा में तो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे तो आप हमारी अदर वीडियोस में इन सभी इश्यूज को देख सकते हैं। वेल, कोरियन ड्रामास को सबसे अलग और इंटरेस्टिंग अगर कुछ बनाता है तो वो उनका म्यूजिक है, जिसे हम ओरिजिनल साउंड ट्रैक यानी OST कहते हैं। ये OST आपको हर एक के ड्रामा में देखने को मिल जाएंगे। इन OST का दौर 90s में इंस्ट्रूमेंटल साउंड ट्रैक के साथ शुरू हुआ, लेकिन 2000 के आते आते इन साउंड ट्रैक्स में कुछ बदलाव आया और फुल OST एल्बम्स रिलीज किए जाने लगे, जिन्हें के ड्रामा लवर्स ने काफी पसंद किया। माई लव फ्रॉम अनदर स्टार, गॉबलिन, द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, होटल देलुना, हिम्न ऑफ डेथ और ट्रू ब्यूटी की OST सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, अगर आप हार्डकोर के ड्रामा लवर हैं, तो ये OST आपकी प्लेलिस्ट में होनी ही चाहिए। वेल, दोस्तों, आपको कौन कौन से के ड्रामास और कौन कौन सी OST पसंद है हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही के ड्रामा, के पॉप और अदर कोरियन कल्चर रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर और लाइक जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर एंड सारंगेयो।